हे वाइटी बेंस की हलचल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आपकी बिल्कुल न्यू शादी हुई है और आप हनीमून पैकेज को सर्च कर रहे हैं, तो आज वाइटी भारत चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल हनीमून पैकेज लेकर के आ गया हूं, वो भी न्यू ईयर के मौके पर। हाँ दोस्तों, आप अपने हनीमून को न्यू ईयर पे सेलिब्रेट कर सकेंगे और उसके लिए आपको ये पैकेज हैवी डिस्काउंट पर प्रोवाइड किया जा रहा है वाईटी भारत के एक्सक्लूसिव सब्सक्राइबर के लिए। और अगर आपने वाईटी भारत चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन आ रहा है, क्लिक करके सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, ऑल को सेलेक्ट करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, नहीं अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके डिसलाइक कर देना। दोस्तों, अगर आप इस पैकेज को बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल में मैं ट्रैवल कंपनी का नंबर देने जा रहा हूं, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ट्रैवल कंपनी की डिटेल देने जा रहा हूं। जाइए, कॉल करके आप इस पैकेज को बुक करवा सकते हैं। लेकिन पैकेज को बुक करवाने से पहले वाईटी भारत चैनल पर मैं आपको इस पैकेज की पूरी डिटेल, मेरे पीछे स्क्रीन पर चल रहा है प्रेजेंटेशन पे, एक एक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करना जा रहा हूं। उसके बाद अगर कोई भी इससे जुड़े हुए सवाल रह जाते हैं तो वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और बुकिंग से सारी संबंधित जानकारी वीडियो में टाइटल पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं। आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और आपको पूरी प्रेजेंटेशन दे देते हैं, इस पैकेज की सारी डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस पैकेज की डिटेल में, ये पैकेज होने वाला है दिल्ली मनाली, दिल्ली का 5 नाइट 6 डेज का पैकेज होने वाला है और इस पैकेज की कॉस्ट बहुत ही कम है, 6,900 पर पर्सन। हाँ दोस्तों, न्यू ईयर पर जो हम आपको पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं 6,900, वो हैवी डिस्काउंट के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए और डिटेल इसके अंदर लेते हैं। जो आपको होटल की कैटेगरी मिल रही है वो 4-स्टार होटल की कैटेगरी मिल रही है, तो हनीमून आपका बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और डिटेल हासिल कर लेते हैं। पैकेज डिटेल में आपको देने जा रहा हूं, ये डेट ऑफ ट्रैवल जो रिकमेंड हम इस पैकेज के लिए कर रहे हैं वो 20 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी 2021 के लिए आपको दे रहे हैं। डेस्टिनेशन है दिल्ली कुल्लू मनाली दिल्ली। उसके बाद जो इसमें नंबर ऑफ पर्सन हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो 1 कपल यानी कि 2 एडल्ट्स होने वाले हैं। नंबर ऑफ रूम आपको 1 डिलक्स रूम प्रोवाइड किया जाएगा। टूर ड्यूरेशन आपकी होने वाली है 5 नाइट 6 डेज के लिए। अब आ जाइए दोस्तों, डे टू डे आइटनरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डे 1 पर आप पहुंचेंगे दिल्ली से मनाली के लिए। आप सबसे पहले दिल्ली से वॉल्वो बस को पिक करेंगे, 580 किलोमीटर की आपकी यात्रा होगी जो पूरी रात चलेगी, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप मनाली पहुंच जाएंगे। लगभग 11 से 12 घंटे का यह सफर होता है, जो बहुत ही औसम सफर होता है, बहुत इंजॉय करेंगे आप रास्ते में। स्नोफॉल भी मिल सकती है क्योंकि नवंबर से लेकर के मार्च के बीच में स्नोफॉल कभी भी पड़ती है, तो बहुत औसम नजारा होने वाला है। उसके बाद ये जो आपकी पूरी जर्नी है उसके लिए आपको वॉल्वो बस पहले आप पिक करोगे, पिक करके आप उसमें बैठोगे और बैठ करके आप नेक्स्ट डे मनाली पहुंच जाओगे। अगर स्क्रीन पर आप सारी डिटेल को पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं डे 2 पर, अराइवल इन मनाली। आप मनाली पहुंच जाएंगे और मनाली पहुंचने के बाद आपको एक कैब पिक करने के लिए आएगी, कैब पिक करके आपको होटल में चेक इन के लिए ले जाएगी। वहां पे जाके चेक इन करिए, रेस्ट करिए और शाम को रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए लोकल साइट सीन के लिए मनाली का। दोस्तों, लोकल साइट सीन जो है लगभग वो 3 घंटे का आपका टाइम लेती है और कहां कहां घुमा देगी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये लोकल साइट सीन आपको लेकर के जाएगी हडिम्बा टेम्पल, मनु टेम्पल, क्लब हाउस, वन विहार, तिब्बतन टेम्पल एंड तिब्बतन मोनेस्ट्री, मॉल रोड भी आप जाकर के एंजॉय कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ऐसी कुछ जगहों पर जाकर के आप एंजॉय करेंगे और एंजॉय करने के बाद आप वापस, आपको कैब लेकर के आ जाएगी होटल पर, होटल पर ड्रॉप कर देगी। ड्रॉप करने के बाद आप अपने होटल में जाकर के एंजॉय करिए, डिनर करिए और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग डे 3 पर उठ जाइए। और इस दिन आपका बहुत ही जबरदस्त एंटरटेनमेंट होने वाला है क्योंकि आप सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आप निकलेंगे मनाली से सोलांग वैली की यात्रा पर। दोस्तों, रास्ते में जो नज़ारे होते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और स्नोफॉल के दिनों में तो आप जाएंगे तो क्या कहने, जा करके जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो अलग ही लेवल का होने वाला है। मैं तो जब भी जाता हूँ सोलांग वैली में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, और सोलांग वैली फेमस है खास करके अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। कौन कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं? सबसे पहले तो वहाँ पर पैराग्लाइडिंग बहुत अच्छी होती है, रोपवे है अलग से सोलांग वैली के अंदर, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है लेकिन रोपवे आप जाओगे एक बहुत अच्छे हाइट पॉइंट पे ले जाता है, जहाँ से जाकर के आप बहुत ही वैली के नज़ारे ले सकते हैं अच्छे खासे मनाली के। उसके बाद आप जॉर्विंग कर सकते हैं, आप वहाँ पर टायर स्लिपिंग कर सकते हैं,
मोटर बाइक राइडिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं जो वहां पर जाकर के आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद शाम को आप वापस लौटेंगे अपने होटल में, और होटल में लौटने के बाद आप वहां पर डिनर करेंगे, और डिनर करने के बाद नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो आज आपकी यात्रा होगी डे फोर पर मनाली से कुल्लू मणिकरण के लिए। दोस्तों आप अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपकी कैब पिक करने के लिए आएगी, कैब पिक करके आपको मणिकरण के रास्ते में ले जाएगी। ये जो रास्ता है वो लगभग 80 से 85 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करती है, 4 घंटे के आसपास की ये टोटल यात्रा होती है, और रास्ते में आपको बहुत सुंदर व्यू मिलेंगे कुल्लू के, मनाली के, और मणिकरण के रास्ते पे जो पार्वती रिवर की जो वैली है, जो कसोल का जो पूरा आउटर चलता है वो बहुत ही मस्त होता है, जाकर के आप देखना। और रास्ते में ड्राइवर को रोक करके आप कसोल के आउटर में जो पार्वती वैली है ना उस पर जाकर के आप फोटोग्राफ जरूर क्लिक करवा देना। रास्ते में ओवर ब्रिज होते हैं, क्रॉसिंग ब्रिज होते हैं, गाड़ी रुकवाना, क्रॉस करना ब्रिज को, नीचे जाना वैली में, और वैली में जाकर के नदी के किनारे आप बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकते हैं। मैं तो जब भी जाता हूं तो क्लिक करवाता हूं, बहुत ही औसम नज़ारा होता है। उसके बाद आप फोटो क्लिक कराने के बाद या तो आते करा लीजिए या जाते करा लीजिए, एक ही बात है। उसके बाद आप पहुंच जाइए मणिकरण गुरुद्वारा। मणिकरण गुरुद्वारे में वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट सल्फर स्प्रिंग वाटर है, वहां पर जाकर के आप सरोवर में स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप जाइए बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद आप लंगर प्रसाद खाना ना भूले। लंगर प्रसाद खा करके जब आप वापस लौटेंगे अपनी कार में बैठ करके तो आपको कुल्लू फैक्ट्री ले जाया जाएगा। कुल्लू फैक्ट्री जा करके आप वहां पर शॉपिंग भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, और उसके बाद होटल पहुंच जाइए आप वापस मनाली, और वहां पर जा करके आप डिनर करिए, ओवरनाइट आप वहां पे स्टे करिए। उसके बाद फिफ्थ डे स्टार्ट हो जाता है जो आपका वापस डिपार्चर होता है मनाली से दिल्ली का। इस दिन मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। इस दिन आप क्या करिए, मॉर्निंग सबसे पहले उठ जाइए जल्दी, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप खुद अपनी ऑन कन्वेंस पे चले जाइए मॉल रोड पे, शॉपिंग करिए आराम से, लगभग शॉपिंग करके, और जो भी आसपास कहीं कुछ घूमना चाहते हैं, फोटोग्राफ क्लिक कराना चाहते हैं, रास्ते में कुछ और भी पार्क्स पड़ते हैं जब आप जाते हैं रास्ते में, तो वहां पर जाकर के आप फोटोग्राफ क्लिक करवाइए। मॉल रोड पे जाकर के मेमोरेबल फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए सामान खरीद लीजिए। सामान खरीदने के बाद लगभग आप 3 बजे वहां से निकलिए, 4 बजे होटल में चले जाइए। होटल में 4 बजे के आसपास आपको वापस कार पिक करने के लिए आएगी, जो पिक करके आपको प्राइवेट मनाली वॉल्वो बस स्टैंड तक पहुंच ड्रॉप कर देगी, और ड्रॉप करने के बाद वहां से आप वॉल्वो को ले लीजिए और निकल जाइए वापस दिल्ली की यात्रा पर। तो दोस्तों इस तरह से जो आपका टूर है वो एंड हो जाता है। 6th डे आप अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंच जाएंगे लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच में, और पहुंचने के बाद आपका ये पूरा जो मेमोरेबल टूर है वो यहां पर एंड हो जाता है। लेकिन आगे जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस पैकेज में क्या क्या फैसिलिटीज इंक्लूडेड है 6,900 रुपए के अंदर, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। इतनी सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही हैं, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ये पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है, खास करके YTA भारत के सब्सक्राइबर के लिए स्पेशली। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको डिटेल में सबसे पहले आपको बता रहा हूं, 2 लग्जरी सेमी स्लीपर वॉल्वो बस की टिकट दिल्ली से मनाली, मनाली से दिल्ली आपको दी जा रही है। पिक एंड ड्रॉप दिया जा रहा है मनाली वॉल्वो बस स्टैंड से। 3 नाइट का एकोमोडेशन दिया जा रहा है 1 डिलक्स रूम के अंदर। वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल दिया जा रहा है आपको। 3 डेज के लिए ब्रेकफास्ट और डिनर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 1 कैंडल लाइट डिनर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 10% डिस्काउंट है आपका लॉन्ड्री के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री रिकर्सनल एक्टिविटी फैसिलिटीज का आप यूज कर सकते हैं। फ्री एंट्री होगी अगर होटल में डिस्को थिक होता है तो। उसके बाद आपका 1 डे का हाफ डे का साइट सीन होता है, जो मैंने आपको बताया मनाली के अंदर जब आप पहुंचते हैं तो उस दिन आपका लोकल साइट सीन होता है, प्राइवेट कार से करवाया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है वो आपको सोलांग वैली का प्राइवेट कार से टूर करवाया जाएगा, और जो आपका लास्ट डे होता है वो आपका मणिकरण का टूर करवाया जाएगा प्राइवेट कार से। तो ये सारी फैसिलिटी मैंने आपको बताई। अब आपको वॉल्वो जो बस है उसकी फैसिलिटी बताता हूँ। दिल्ली मनाली और दिल्ली वॉल्वो जो बस है उसमें आपको पुश बैक सीट्स मिलेंगी, जो अच्छी खासी लंबी चौड़ी सीट्स होती हैं। मिनरल वाटर की बॉटल आपको प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पे LCD स्क्रीन लगी होती है DVD प्लेयर के साथ। इसके बाद ब्लैंकेट आप ले सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, और इस तरह से आपका पूरा जो टूर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई भी अदर जानकारी चाहिए हो तो वीडियो पर कमेंट आप करके पूछ सकते हैं, और बुकिंग करानी हो तो वीडियो के टाइटल में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ट्रेवल कंपनी का नंबर जो है वो दे चुका हूं। जाओ, कॉल करो, जो भी सवाल है, जो भी जवाब लेना है
पूछो, बुक करा लो, क्योंकि न्यू ईयर आ ही चुका है। न्यू मैरिड कपल हो तो मनाली से अच्छा स्थान इंडिया में बहुत ही कम है। कम से कम दामों में आप बहुत बेहतरीन फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। और स्नोफॉल का तो क्या कहना, इतनी बेहतरीन स्नोफॉल पड़ रही है मनाली में इस साल कि मज़ा ही आ जाएगा। बने रहिए YT भारत चैनल पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।